प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, बल्कि इसे ये कहें कि एक डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। डेफिनेशन है स्टूडेंट्स के यूलर्स फार्मूला क्या होता है फोरियर सीरीज में। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी सिंपल, जो यूलर्स सीरीज है उस यूलर सीरीज को बनाते समय हम लोग जो ए नॉट ए एन और बी एन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो इंटीग्रल्स हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली उन्हें ही यूलर्स फार्मूला कहा जाता है। हम और आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन fx इन द इंटरवल अल्फा प्लस 2π इज गिवन बाय स्टूडेंट्स। क्या होता है बच्चों, इट्स fx इज इक्वल्स टू a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट a n cos nx प्लस बी एन साइन एन एक्स, ओके, वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाए अल्फा टू अल्फा प्लस टू पाए एफ एक्स डी एक्स ए एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाए इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस टू पाए एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स बी एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाए अल्फा टू अल्फा प्लस टू पाए एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूलाज हैं ए एन ए नॉट और बी एन के लिए स्टूडेंट्स, दीज आर कंबाइंडली कॉल्ड, इन्हें ही हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स यूलर्स फॉर्मूला फॉर ए नॉट ए एन एंड बी एन स्टूडेंट्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन थी या फिर सिंपल सा कंसेप्ट था कि यूलर्स फार्मूला फोरियर सीरीज में बेसिकली होते क्या हैं। तो ये और कुछ भी नहीं है, जो फोरियर कांस्टेंट्स होते हैं, वास्तव में इन ए नॉट ए एन और बी एन को हम लोग फोरियर कांस्टेंट्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड फोरियर कांस्टेंट्स आल्सो। तो इन फोरियर कांस्टेंट्स को ही वास्तव में यूलर्स फार्मूला कहते हैं, ओके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों ने ये समझा कि किसी भी इंटरवल में अगर फोरियर सीरीज हम लोग निकाल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में जो ए नॉट ए एन और बी एन है, उसे ही हम लोग यूलर्स फार्मूला कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो दीज आर द यूलर्स फार्मूला फॉर फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और रिमार्क है समझने वाला, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ये बी एस ग्रेवाल से मैंने आपको बताया है, इट्स अ बी एस ग्रेवाल। कहीं कहीं कुछ ऑथर्स स्टूडेंट्स इस यूलर्स फॉर्मूले को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, यानी कि ए नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाए, ओके, इट्स अ माइनस पाए टू प्लस पाए एफ एक्स डी एक्स ए एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाए माइनस पाए टू प्लस पाए एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स बी एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाए माइनस पाए टू प्लस पाए एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऑथर्स ए एन बी एन और ए नॉट के लिए इन फॉर्मूला का यूज भी करते हैं, और उस केस में भी ये ए नॉट ए एन और बी एन की जो वैल्यूज है उनको यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यूलर्स फॉर्मूला फॉर फोरियर सीरीज। तो बात एक ही है स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर भी
अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पाई सब्स्टिट्यूट कर दें तो यही जो यूलर्स फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि ए नॉट, ए एन और बी एन के लिए जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ही हम लोग यूलर्स फार्मूला कहते हैं फोरियर सीरीज में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने यूलर्स फार्मूले के कंसेप्ट को समझा। हम जल्दी नए कंसेप्ट के साथ में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।